हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएससी इंस्टीट्यूट एंड इट इज़ योर फर्स्ट साइंस क्लास ऑफ क्लास नाइन्थ एंड वी विल स्टार्ट हियर फर्स्ट यूनिट ऑफ योर साइंस दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो बेटा, ये आपकी साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और ये जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री के साथ डील करता है। एज़ यू नो वेरी वेल, आपकी जो जनरल साइंस है उसको थ्री ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बेटा, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, कुछ चैप्टर फिजिक्स से, एंड सम चैप्टर्स विल बी रिलेटेड फ्रॉम बायोलॉजी। सो बेटा, आज हम लेक्चर वन में पढ़ेंगे बेसिक्स के बारे में कि मैटर क्या होता है, और जो भी इस चैप्टर के बेसिक डिटेल्स हैं उनके बारे में आप स्टडी करेंगे इस लेक्चर्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्कस अबाउट मैटर। बेटा, ये जो सबसे पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हमारा चैप्टर है, इसमें ये मैटर क्या होता है, तो मैटर के बारे में बात करते हैं। बेटा, मैटर होता है, लास्ट प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है आपने, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में थोड़ा सा कुछ मैटर के बारे में पढ़ा हुआ है, तो बेटा उसी को रिकॉल करेंगे। देखो बेटा, मैटर एक वो सब्सटेंस होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब आप उसको कहीं पर भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ स्पेस वो लेगा, और जिसमें मास होता है। सो मैटर इज ए सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव मास, इज कॉल्ड मैटर। जैसे अभी आप क्लासेस ले रहे हैं, तो बेटा आपके हाथ में मोबाइल है, आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, या अपनी टेबल पे फ़ोन रखा हुआ है, या फिर आप कंप्यूटर में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, या लैपटॉप में, टैबलेट में, कहीं पे भी, तो बेटा एक प्रॉपर एक स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, तो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड मैटर। आपके रूम में सपोज करो सीलिंग फ़ैन है, तो सीलिंग फ़ैन में एक स्पेस ले रहा है सीलिंग फ़ैन, रूफ़ में कोई ना कोई स्पेस कवर कर रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड मैटर। आपके रूम की वॉल है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिस चेयर पे आप बैठे हो वो चेयर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जो आपका बेड है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ रूम का स्पेस ले रहा है, तो बेटा उसी, तो ये पर्टिकुलर थिंग्स क्या कहलाती हैं, मैटर। ओके, तो बेटा सबसे पहली कंडीशन है कि उसमें क्या होना चाहिए, बेटा सबसे पहला ऑक्यूपाइंग स्पेस, ऑक्यूपाइंग स्पेस, ठीक है बेटा, सबसे पहले वो ऑक्यूपाई स्पेस करना चाहिए। सेकंड, उसमें मास होना चाहिए, उसमें मास होना चाहिए। बेटा अभी के लिए मास का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ वेट होगा, ओके, उसमें कुछ ना कुछ वेट होगा। अभी के लिए आप मास को हम डिटेल स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि उसमें कुछ ना कुछ वेट होगा। जैसे आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, टैब है, तो उसमें कुछ ना कुछ, किसी में ज़्यादा वेट हो सकता है, किसी में बहुत कम वेट हो सकता है, किसी में 100 ग्राम हो सकता है, किसी में 10 ग्राम हो सकता है, तो बेटा उसमें कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए। एंड लास्ट, इट शुड बी फेल्ट बाय सेंस, इट शुड बी फेल्ट बाय सेंसेस। बेटा हमें सेंस से पता चल जाना चाहिए इस पर्टिकुलर थिंग का। जैसे सेंस क्या, हम टच करके पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ मैटर है, हम स्मेल करके पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ मैटर है, या फिर हम किसी भी चीज़ को फील करके पता लगा सकते हैं कि वो मैटर है। तो बेटा सेंसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे आपकी जो सेंसेस हैं आप टच करके पता लगा सकते हो, आप टच करके पता लगा सकते हो, आप स्मेल करके पता लगा सकते हो, ठीक है, और बेटा आप टेस्ट करके पता लगा सकते हो। फाइन, जैसे आपने क्या किया, रसगुल्ला खाया, तो बेटा रसगुल्ले को टेस्ट किया, आप टेस्ट कर सकते हो ना उसको, तो रसगुल्ला क्या हुआ, मैटर हुआ, क्लियर। कोई आपको अच्छी चीज़ की, सपोज़ आपके पास परफ्यूम रखा हुआ है, और परफ्यूम को स्मेल करके आप बता दो कि हाँ परफ्यूम बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो परफ्यूम भी क्या हुआ, मैटर हुआ। अभी अपना फ़ोन टच कर रहे हो आप, तो बेटा टच कर पा रहे हो ना, अगर इसको टच कर पा रहे हो तो सो दैट इज़ कॉल्ड मैटर, इसको हम मैटर कह सकते हैं। सो बेटा फिर से वापस आते हैं, मैटर में थ्री कंडीशन होंगी, दैट इज़ द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट हैज़ इट्स मास एंड इट शुड बी फेल्ट बाय सेंसेस इज नोन एज मैटर। आई होप मैटर समझ आ गया होगा। तो बेटा जो भी चीज़ें आप फिजिकली देख सकते हो, अगर वो
स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, उनमें कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ वेट होता है, और उनको हम सेंसेस से फील कर सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, उनको स्मेल कर सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं। सो वो सभी चीज़ें क्या होंगी? मैटर होंगी। ठीक है बेटा। सो एक साइंस के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर डेफिनेशन मैटर की जो होगी वो देखते हैं बेटा। सो मैटर क्या होता है बेटा? एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड इट इज फेल्ट बाय सेंसेस। ठीक है बेटा जी। तो आपको समझ आ गया होगा, जो मैटर की डेफिनेशन बताई है उसमें ये 3 पॉइंट्स कवर हो गए हैं। एनीथिंग कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई भी थिंग हो सकती है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, फर्स्ट, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड इट इज फेल्ट बाय सेंसेस। ओके, इसको मैटर बोलते हैं बेटा। सेंसेस का मतलब क्या बताया मैंने अभी आपको? उसको आप टच करके बता सकते हो, उसको आप स्मेल करके बता सकते हो, और उसको आप टेस्ट करके बता सकते हो। सही है बेटा। ओके, जैसे हमारी स्किन है तो वो हमारा सेंस ऑर्गन है, हम उसको टच करके बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर थिंग है हमारे पास, ये प्लास्टिक में है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, या ये क्लोथ है, ये फैब्रिक है, ये प्लास्टिक है, तो हम टच करके बता सकते हैं। स्मेल करके ये बता सकते हैं कि कोई स्मेल एक गुड स्मेल है या फिर वो बैड स्मेल है। टेस्ट करके बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ वो श्योर है, स्वीट है, बिटर है, कैसी है। तो बेटा वो सब क्या होगा? पर्टिकुलर मैटर होगा। मैटर के मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं। आपके रूम में जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हो, उनको टच कर सकते हो, उनको टेस्ट कर सकते हो, और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिनका कुछ ना कुछ वेट है, वो सभी मैटर हैं। जैसे कि आप जिस चेयर पे बैठे हो, वो चेयर एक मैटर है क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। और बेटा आप खुद भी एक मैटर हो क्योंकि आप कहीं पे भी बैठे हो तो कुछ ना कुछ स्पेस आप ले रहे हो। सेकंड, आपका कुछ ना कुछ मास है, वेट है। और बेटा आपको कोई भी अपनी सेंसेस से फील कर सकता है, आपको टच करके कोई भी फील कर सकता है, स्मेल, आपकी स्मेल से कोई भी फील कर सकता है। सिंपल। सो मैटर की 3 प्रॉपर्टीज और ये डेफिनेशन हो गई, प्रॉपर समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है। तो सब कुछ मैटर है ऑलमोस्ट आपके घर में, जितना भी आप टच कर सकते हो किसी को। मम्मी भी मैटर है, पापा भी मैटर है, छोटा भाई मैटर है, बुक भी मैटर है, मोबाइल स्क्रीन भी मैटर है, पेन भी मैटर है, नोटबुक भी मैटर है, सब कुछ मैटर है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं मैटर के, और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर, अभी मैंने आपको बताया मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। उसमें कुछ मास होता है और उसमें वो स्पेस लेता है, कुछ ना कुछ स्पेस लेगा, और उसको हम अपनी सेंसेस के द्वारा फील कर सकते हैं। तो बेटा ये पर्सन दिख रहा है आपको, ये कंप्यूटर पे लेक्चर ले रहा है आपकी तरह, तो ये पर्सन भी क्या है? ये भी एक मैटर का एग्जाम्पल है। पर्सन ने क्या स्पेक्स पहने हुए हैं, ग्लासेस पहने हुए हैं, सपोज आपने भी पहने होंगे, तो ये ग्लासेस भी क्या है? मैटर है। ये कंप्यूटर पे देख रहा है, आप मोबाइल पे देख सकते हो, लैपटॉप पे देख सकते हो, टैबलेट पे देख सकते हो, लेकिन ये कंप्यूटर भी क्या है या लैपटॉप भी मोबाइल भी क्या है? एक मैटर है। इसकी टेबल पे कॉफ़ी का मग रखा हुआ है। बेटा कॉफ़ी का मग देखो, स्पेस घेर रहा है ना टेबल पे, कोई ना कोई स्पेस ले रहा है ये, तो कॉफ़ी का मग भी क्या है? एक मैटर है। जिस डेस्क पे ये कंप्यूटर रखा हुआ है, वो भी कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रही है, डेस्क भी क्या है? मैटर है। जिस चेयर पे बैठा है, वो भी चेयर भी कुछ ना कुछ स्पेस कवर रही है, दैट इज मैटर। क्लियर हुआ? उसके बराबर में कैट बैठी हुई है, इसकी डोमेस्टिक कैट होगी, है ठीक है, पेट होगा, तो ये कैट भी क्या है? एक मैटर है। और कंप्यूटर के ऊपर एक बटरफ्लाई बैठी हुई है, बेटा ये भी कुछ ना कुछ स्पेस ले रही है, इसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा, चाहे कम से कम वेट हो, सपोज करो 1 ग्राम ही वेट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये भी क्या है बेटा? मैटर है। अब आते हैं विंडो में, विंडो का कुछ है, विंडो में से सन दिखाई दे रहा है आपको, तो बेटा सन भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और इसका अपना मास होता है, सन भी क्या है? एक मैटर है। क्लाउड्स, क्लाउड्स में क्या होता है बेटा? क्लाउड्स में एयर के पार्टिकल्स होते हैं जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और इनका कुछ ना कुछ मास होता है। ये हो सकता है कि मास बहुत कम हो, लेकिन ये भी एक मैटर है क्योंकि कुछ ना कुछ मास तो होगा। क्लियर बेटा? तो ये सभी कुछ, एयर भी एक मैटर है।
एयर भी एक मैटर है, क्योंकि बेटा एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स बहुत सारी टाइप्स की गैसेस से मिलके एयर बनी होती है, तो एयर भी क्या है, एक मैटर है। नेक्स्ट आते हैं देखो प्लांट्स, बेटा प्लांट है ठीक है सिंपल, तो ये प्लांट्स कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। देखो आपको दिख रहा है कि ये स्पेस, इतना स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है ना प्लांट, और बेटा प्लांट और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ ना कुछ इसका मास भी होगा, थोड़ा सा वेट भी होगा इसका, और हम इसको अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, इसकी स्मेल से बता सकते हैं कौन सा प्लांट है। जैसे हम रोज़ की स्मेल से बता देते हैं ये रोज़ का प्लांट है, तो स्मेल से बता सकते हैं, टच करके बता सकते हैं, टेस्ट करके बता सकते हैं। जैसे आप रोज़ को, रोज़ की जो लीव है उसको टेस्ट करके बता सकते हो कि ये रोज़ है या ये तुलसा है। तो बेटा प्लांट भी क्या है, एक मैटर है। तो ये इतनी सारी जो चीज़ें की एग्जाम्पल्स हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, मैटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है बेटा जी, आई होप क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं बेटा ये जो मैटर है ये कैसे बनता है। बेटा जो मैटर होता है, पर्टिकुलर कोई भी थिंग है उसको मैटर बोलेंगे हम, तो ये मैटर बनता है बेटा पार्टिकल्स से। मैटर को किस में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम अभी इस बारे में बात करेंगे। मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, और बेटा पार्टिकल्स को और भी छोटे छोटे वे में डिवाइड किया जा सकता है, जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। आपने सुना होगा 6th 7th 8th में मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स को और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एटम्स को। ठीक है बेटा, उनको एटम्स बोलते हैं, और आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे 9th 10th में, एटम्स को भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एट्सेट्रा में। तो ठीक है बेटा, पर अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे मैटर्स। मैटर्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे वे में डिवाइड किया जाएगा, जिनको बोलेंगे पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेंगे मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स को हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेंगे एटम्स, और एटम्स को फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी उसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, आपके लिए अभी ये 4 ही एनफ है। ठीक है बेटा, मैटर्स को डिवाइड किया जाता है पार्टिकल में, पार्टिकल को और छोटा करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल को और छोटा करते हैं तो एटम बनता है। तो बेटा ये हमने बात की मैटर क्या होता है, मैटर के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए मैंने अभी आपको इस एग्जाम्पल से। ठीक है बेटा, इस पिक्चर से बहुत सारे एग्जाम्पल बताए आपको मैटर के। तो अभी आप इतना इजी है कि बेटा अगर आप इस लेक्चर के बारे में समझ जाओगे, मैटर के बारे में समझ जाओगे, आप डेफिनेटली अपनी फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल लाइफ में आप मैटर पहचान पाओगे कि इसको मैटर बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हम बात कर रहे थे मैटर्स की, अब हम कुछ उन थिंग्स के बारे में बात करेंगे जो मैटर्स नहीं होती। बेटा ज़रूरी नहीं कि सभी चीज़ें मैटर हों, कुछ चीज़ें मैटर्स हो सकती हैं और कुछ चीज़ें मैटर नहीं हो सकती। तो जो मैटर हैं उनके बारे में तो हमने जान लिया कि वो मैटर हैं, अब मैटर कौन कौन सी पर्टिकुलर थिंग्स हैं जो मैटर नहीं है, जो एक मैटर नहीं है। बेटा वो हैं, जब अब बारिश होती है और बारिश के बीच में धूप निकल आती है, तो आपने कई बार देखा होगा रेनबो, जिसमें 7 कलर होते हैं। तो बेटा रेनबो जो है, रेनबो हमें दिखाई देता है, लेकिन पर्टिकुलर रेनबो के बारे में देखें तो रेनबो कोई पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। पर्टिकुलर वो सिर्फ स्काई में हमें विजिबल होता है, स्काई में दिखाई देता है, लेकिन पर्टिकुलर वो किसी तरह का स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। जैसे आपका फ़ोन है, आप अपनी फ़ोन को टेबल पे रखो तो टेबल का एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है फ़ोन, ऐसे ही आपका टीवी जो है, एलईडी है, वो एक वॉल में कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। आप बैठे हो तो चेयर का कोई ना कोई, या अपने बेड पे बैठे हो तो बेड का कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, लेकिन रेनबो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, और ना ही रेनबो का कोई मास होता है। तो ठीक है बेटा क्लियर, हम उसे सिर्फ देख सकते हैं, हम रेनबो को टच नहीं कर सकते, रेनबो को स्मेल नहीं कर सकते। ओके, तो बेटा इसको हम सेंस ऑर्गन से भी फील नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए रेनबो क्या नहीं होगा, रेनबो बेटा मैटर नहीं होगा, रेनबो मैटर नहीं होगा। क्लियर, फाइन। रेनबो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। आप सोचेंगे कि सर स्काई में तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बेटा वो हमें सिर्फ दिखाई देता है पर्टिकुलर, लेकिन रेनबो जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि हम उसे टच नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई वेट नहीं होता है, तो रेनबो एक मैटर का एग्जाम्पल नहीं है। ओके, रेनबो इज नॉट मैटर। नेक्स्ट आता है बेटा रिफ्लेक्शन। जैसे अभी आपने देखा होगा कभी भी किसी, आप रिवर के, रिवर बैंक पे गए हो, कहीं पे भी देखा होगा फोटो में, तो जैसे ही बेटा यहीं पे देखो ये सन है, यहाँ पे सन है, उस सन का रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, वाटर में। तो बेटा सन का तो मास है, सन में कुछ वेट भी है, तो सन तो एक मैटर है, लेकिन जो सन की रिफ्लेक्शन आ रही है रिवर में
बेटा वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है, वो सिर्फ हमें दिखाई दे रही है लेकिन कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि जितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया हम इसकी जगह पे कुछ नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। सपोज करो, ऑब्जर्व करो कि हम इस प्लेस पे बहुत सारी बोट्स हैं, वो पार कर सकते हैं इस रिवर रिवर में, रिफ्लेक्शन भी यहीं रहेगा, बोट भी इसके ऊपर आ जाएगी। तो बेटा रिफ्लेक्शन कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा लेकिन बोट स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, तो बोट क्या होगी, मैटर होगी। लेकिन यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेटा रिफ्लेक्शन भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता और ना ही इस रिफ्लेक्शन का कोई मास है, तो रिफ्लेक्शन भी क्या है बेटा, वो भी मैटर नहीं है, रिफ्लेक्शन मैटर नहीं है। इसी तरह से हमारे माइंड में जो भी थॉट्स चलते हैं बेटा, क्या आप उन थॉट्स को, क्या वो थॉट्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? मतलब आपने कभी सोचा कि मेरे जो थॉट्स हैं वो 10 मीटर का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कभी सुना है लाइफ में? या मेरे जो थॉट्स हैं वो 100 मीटर का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, या 1 स्क्वायर यार्ड का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं? या मेरे थॉट्स में तो बहुत ज़्यादा वेट है, मतलब मेरे थॉट्स तो 1 क्विंटल के हैं, मेरे थॉट्स तो 5 kg के हैं, क्या कभी ऐसा सुना है? ऐसा कभी नहीं सुना है, बहुत एबनॉर्मल लगता है सुनने में। तो बेटा जो आपके थॉट्स होते हैं ना वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ना ही उनमें कोई मास होता है, और ना ही हम उनको अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं। मतलब हम उनको टच नहीं कर सकते, अपने थॉट्स को उनको टेस्ट नहीं कर सकते, उनको स्मेल नहीं कर सकते। तो बेटा थॉट्स भी क्या है, थॉट्स भी मैटर नहीं है। ऐसे ही हमारी मेमोरी में जो भी आता रहता है, जो भी आता रहता है, ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, रियलिटी में कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, ना ही उसमें कोई वेट होता है, कोई मास होता है, और ना ही बिट्टे हम उसे सेंस ऑर्गन से फील कर सकते, तो मेमोरी भी एक मैटर नहीं होगा। इसी तरह बेटा लव, हेट, पेन, ये सब हमारी क्या है, फीलिंग्स हैं। लेकिन लव है बेटा, लव ऐसा, मतलब हम लव को टेबल पे थोड़ी रख सकते हैं, कहीं पे वॉल पे थोड़ी लटका सकते हैं कि वो लव है और वो 10 किलोग्राम का है, उसका वेट भी है, मास भी है, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ये तो हमारी फीलिंग्स हैं। तो बेटा लव है, हेट है, पेन है, काइंडनेस है, ये सब क्या है, हमारी फीलिंग्स हैं। ओके, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, ऑनेस्टी है, तो ये सब क्या है बेटा, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं ये सब लोग, ठीक है, क्लियर? सो ये सब क्या है बेटा, ये मैटर्स के एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये बेटा मैटर की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए, चाहे वो रेनबो हो, रिफ्लेक्शन हो, मेमोरी, थॉट्स हो, लव, हेट, काइंडनेस, पेन, ऑनेस्टी, ठीक है, ट्रूथ, कुछ भी हो, ओवरऑल ये सब ना तो बेटा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ना ही इसमें कोई मास होता है, और ना ही इनमें इनको सेंस ऑर्गन से फील किया जा सकता है। मीन्स ना तो इनको टच कर सकते हैं, ना ही इनको स्मेल कर सकते हैं, और ना ही इनको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप बेटा समझ आ गया होगा कि ये चीज़ें मैटर का एग्जाम्पल्स क्यों नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आ सकता है, कुछ आपको पर्टिकुलर थिंग्स दे देगा, उसमें से सेलेक्ट कराएगा इनमें से कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है। आपको डेफिनेशन से पता चल गया है कि जो चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, जिनमें मास होगा और जिनको हम सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड मैटर। और जो इसके अगेंस्ट होगी, जिनमें मास नहीं होगा, जिनमें कोई वेट, जो इनमें कोई मास नहीं होगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगी, एंड दैट कांट बी फेल्ट बाय सेंस ऑर्गन्स, दीज आर नॉट मैटर्स। ओके बेटा, समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। तो बेटा कुछ मैटर्स के बारे में जान लेते हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये मैटर्स की कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे चीज़ें शुरू हुई? तो बेटा हमारे जो एंशंट फिलोसोफर थे, मतलब जो पुराने साइंटिस्ट लोग थे, जो ये चीज़ें सर्च करते रहते थे, वो क्या मानते थे, पहले वो देखते हैं, वो लोग क्या मानते थे कि मैटर्स किन किन चीज़ों से मिलके बना है। बेटा मैटर्स है, मैंने अभी बताया आपको, मैटर्स पार्टिकल्स से मिलके बना है, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं, और मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बने हैं, अभी मैंने आपको ये बताया, ठीक है बेटा? तो अभी हम बात करते हैं अपने हिस्ट्री की, कि बेटा मैटर्स जो है हमारे एंशिएंट फिलोसोफर हैं, जो पुराने लोग के साइंटिस्ट थे, वो क्या मानते थे? वो मानते थे कि बेटा मैटर्स जो है, मैटर मैटर जो है 5 एलिमेंट्स से मिलके बना है, मैटर 5 एलिमेंट्स से मिलके बना है, जिनको हम पंच तत्व बोलते हैं। बेटा ये संस्कृत का वर्ड है, ओके, पंच तत्व, TATVA संस्कृत का वर्ड है ये बेटा, लेकिन इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है?
पंच तत्व, इनको पंच तत्व बोलते हैं। ओके, अभी ये जो पंच तत्व हैं जिनसे मिलके मैटर बना है, वो पुराने लोग जो मानते थे, तो वो कौन कौन से पंच तत्व थे उनके बारे में देखते हैं। तो बेटा वो पंच तत्व थे एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। तो बेटा जो पुराने लोग थे, हमारे एंशियंट फिलोसोफर थे, वो ये मानते थे कि वाटर जो है, सॉरी मैटर जो है, वो फाइव एलिमेंट्स से मिलके बना होता है, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं। और वो पंच तत्व कौन से हैं, ये हैं। तो बेटा ये किसको कौन मानते थे, एंशियंट फिलोसोफर मानते थे इसको, ठीक है बेटा। एंशियंट फिलोसोफर मानते थे कि जो मैटर है वो फाइव एलिमेंट्स से मिलके बना होता है। तो बेटा ये बात हुई एंशियंट फिलोसोफर की। लेकिन जो मॉडर्न लोग हैं, अभी आजकल मॉडर्न टाइम हो गया है, तो अब मॉडर्न लोग तो अपना अलग ही कुछ फंडा लेंगे। तो मॉडर्न लोगों का क्या फंडा है, वो बोलते हैं कि मैटर की टू प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैटर की टू प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मॉडर्न लोगों का ये मानना है। पुराने लोग तो ये मानते हैं कि फाइव एलिमेंट्स से बन के मिला है और ये फाइव एलिमेंट्स ही हैं। लेकिन मॉडर्न लोग क्या मानते हैं कि मैटर की टू प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब अगर कोई मैटर होगा तो उसमें दो प्रॉपर्टी होंगी, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज केमिकल प्रॉपर्टी। अब बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो ना, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस जब आप पढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो सबसे पहले आपको उसका प्रॉपर्टी के बारे में जानना पड़ेगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद आपको उसके एप्लीकेशंस के बारे में जानना पड़ेगा। ये फंडा है साइंस पढ़ने का, और यही पढ़ोगे आप जब तक साइंस पढ़ोगे। बेटा प्रॉपर्टीज़ का मतलब उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिटी होती है, और एप्लीकेशंस का मतलब उसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मैं अभी आपको बोलूं बेटा, हीट पढ़ते हैं हम साइंस में, तो हीट की क्या प्रॉपर्टीज़ है, हीट जो होती है वो हॉटनेस होती है, उसमें वो गर्म होती है, वो हमारे ऑर्गन को गर्म कर देती है। मतलब हम अगर अपने बॉडी पे हीट के पास ले जाएंगे अपनी बॉडी, तो हमारी बॉडी वार्म अप होने लगेगी। तो हीट में क्या होती है, हॉटनेस, ये क्या होती है बेटा, उसकी प्रॉपर्टी होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है हीट की, हॉटनेस। और बेटा हीस हीट को कहाँ पे यूज़ कर देते हैं, हीट को बॉइलिंग ऑफ वाटर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वाटर बॉयल करने में यूज़ कर सकते हैं, और हीट को कुकिंग द फूड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है हीट के। तो बेटा ये सब क्या हुए, एप्लीकेशन हुए। तो हमें ओवरऑल साइंस इस तरह से पढ़नी होती है। पहली बात, हम जिसके बारे में भी पढ़ते हैं, ओवरऑल कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो, या कोई भी हम पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हैं, या कोई भी पर्टिकुलर ऐसे साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी, जैसे ऑक्सीजन है, तो बेटा ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होगी और ऑक्सीजन के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या होगी और क्लोरीन के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। एप्लीकेशंस का मतलब यूजेस और प्रॉपर्टी का मतलब क्वालिटी। तो बेटा सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अभी हम मैटर की तरफ वापस आते हैं, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी यहाँ पे, ठीक है बेटा, साइंस के बारे में कि साइंस में पढ़ना क्या होता है स्पेशली। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर को थ्री टाइप से डिवाइड किया जा सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड देन गैस। और बेटा इतना छोटा सी बात आप भी जानते हो, पहले से आप पढ़ के आ चुके हो ये चीज़ें, कि बेटा सॉलिड क्या होता है, जो बिल्कुल प्रॉपर आपका जो मोबाइल है वो सॉलिड है, जो आपके घर में वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, वो लिक्विड है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में या एयर में जितनी भी गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, जितनी भी गैसेज हैं वो जो एयर में प्रेजेंट हैं, वो सब क्या हैं, गैसेज हैं। तो बेटा वो सब क्या है, गैसेस हैं, ये आपको पता है, ठीक है बेटा। आपका पेन, मोबाइल, बुक
आपका रूम, चेयर, टेबल वो सब सॉलिड है, वाटर, मिल्क, ऑयल वो सब बेटा क्या है, पेट्रोल, डीजल कुछ भी ओवरऑल वो सब लिक्विड है, CNG, LPG, ऑक्सीजन, CO2 वो सब बेटा क्या है, गैस है। CO2 का मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सुना होगा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 वो सब क्या है बेटा, गैसेस हैं। तो ये बातें थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है बेटा जी। तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं बेटा। अभी मैंने आपको बताया कि मैटर्स क्या होता है। मैटर्स वो होता है जो स्पेस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास एंड दैट इज फेल्ट बाय सेंसेस, बाय टचिंग, बाय स्मेलिंग और बाय टेस्टिंग, ठीक है बेटा, वो मैटर होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे बेटा इनमें से कौन कौन सी चीज़ मैटर हैं और कौन सी चीज़ मैटर नहीं है, वो देखते हैं। तो बेटा मैटर देखो आप, इसमें कौन कौन सी मैटर है, चेयर है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, बिल्कुल, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, चेयर में मास भी होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, एयर में मास भी होता है, कुछ ना कुछ मास होगा बेटा एयर के पार्टिकल का, और एयर में स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है एयर, ठीक है बेटा। और हम इसको सेंस से फील कर सकते हैं, मतलब जब एयर चलती है तो आप बता देते हो ना कि ये कोल्ड एयर है या हॉट एयर है, तो सेंस से पता चल सकता है, क्लियर, सेंस से पता चल सकता है। तो और बेटा ऑलमंड्स, ऑलमंड्स आप डेली खाते हो, उनको टच कर सकते हो, उनमें कुछ ना कुछ वेट होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। कोल्ड ड्रिंक कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और उसको टच करके बता सकते हो, स्मेल करके बता सकते हो। और बेटा स्मेल ऑफ परफ्यूम, जब आप परफ्यूम को ओपन करोगे तो उसकी स्मेल चारों तरफ, ये सपोज करो परफ्यूम का बॉक्स है, आपने ये ओपन कर दिया इसका ये कंटेनर, तो ऐसे परफ्यूम के पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा, ये पार्टिकल्स निकल के बाहर फैल जाएंगे ऐसे एयर में, और ये पार्टिकल में कुछ ना कुछ वेट जरूर होगा, जरूर ये 1 मिलीग्राम के हो सकते हैं एक पार्टिकल, लेकिन कुछ ना कुछ वेट जरूर होगा, और ये एयर में ऐसे जब ये एयर में जा रहे हैं तो बेटा कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसलिए स्मेल ऑफ परफ्यूम भी क्या होगी बेटा, मैटर होंगे, ये सारे क्या होंगे, मैटर होंगे, कोल्ड ड्रिंक भी मैटर होगी, ऑलमंड्स भी, चेयर भी, एयर भी, ठीक है, ओके। लेकिन बेटा मैंने क्या बताया था आपको, लव, लव ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना ही इसमें मास होता है, ना ही हम इनको सेंस ऑर्गन से कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा स्मेल, यहाँ पे स्मेल जो लिया गया है बेटा आपके सिलेबस में, मैं यहाँ पे परफ्यूम की स्मेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्मेल की बात कर रहा हूँ, तो स्मेल यहाँ पे सिर्फ एक सेंस के वे में लिया गया है, स्मेल एक सेंस है, ठीक है बेटा, तो स्मेल भी एक मैटर नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ कॉफ़ी, स्मेल ऑफ टी, स्मेल ऑफ जूस, वो एक मैटर होगी। तो बेटा ऐसे ही लव, हेट, स्मेल, और आपके मैंने अभी बताया था थॉट्स, मेमोरी, ओके, और कोल्ड, ठीक है बेटा, जो कोल्ड होता है, जैसे कोल्ड सीजन होता है, समर सीजन होता है, ठीक है बेटा, हम स्वेट को फील कर सकते हैं, क्योंकि स्वेट ये हमारी बॉडी है, सपोज करो ये आप हो और आपको गर्मी लग रही है, तो स्वेट आपको ऐसे फेस पे आएगा और हैंड्स पे आएगा, तो उसको फील कर सकते हो। लेकिन कोल्ड हॉट ये सब बेटा, कोल्ड हॉट स्मेल ये सब क्या है, ये बेटा सेंस है, और सेंस कभी मैटर नहीं होती, ठीक है बेटा। हाँ अगर मैं उसको आपको बोलता कोल्ड कॉफ़ी, वो एक मैटर था, हॉट टी वो एक मैटर है, ठीक है बेटा जी। तो ये मैटर है, और जिन पे मैंने क्रॉस लगाया, हेट, लव, हेट, पेन, थॉट, कोल्ड, मेमोरी, थॉट्स, ये सब मैटर नहीं है। आई होप समझ आया होगा बेटा आपको, ठीक है, क्लियर। तो इट वॉज योर पार्ट फर्स्ट ऑफ लेक्चर 1, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सो बेटा इट्स एनफ फॉर टूडेज लेक्चर, नाइस मीटिंग यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बात करेंगे कि और लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है। तो बेटा इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से अटेंड कीजिएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में क्लास नोट्स मिल जाएंगे, सिर्फ 2 मिनट्स लगेंगे इसका रिविजन करने में, और 2 मिनट्स में रिवाइज हो जाएगा, दैट्स एनफ, ठीक है बेटा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर से मैं आपको एक बार जल्दी से क्विक रिविजन करा देता हूँ 2 मिनट में, पूरे का पूरा लेक्चर जो हमने पढ़ा है अभी, ठीक है बेटा। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड इट्स फेल्ट बाय सेंस,
उसको हम टच करके पता कर सकते हैं, स्मेल करके और टेस्ट करके पता कर सकते हैं, उसको मैटर बोलते हैं। तो बेटा जो चीज़ें इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगी वो मैटर होगी, और जो फॉलो नहीं करेगी वो मैटर नहीं होगी। ठीक है बेटा, क्लियर? फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए मैटर के बारे में। एग्जाम्पल्स के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए। जो भी चीज़ स्पेस होगा और जिसमें मास होगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और उसमें मास होगा, वो मैटर होगी। बेटा मैटर को पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स में, और मॉलिक्यूल्स को एटम में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर हमने बात की, अब मैटर्स की बात कर ली। मैटर्स कौन कौन से होंगे, लेकिन वो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो मैटर नहीं, जैसे रेनबो। बेटा रेनबो को हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, उसको स्मेल नहीं कर सकते, उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं, और उसको उसमें कोई मास नहीं होता, कोई वेट नहीं होता है। ठीक है बेटा, ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ऐसे ही रिफ्लेक्शन, जैसे इस रिवर में सन का रिफ्लेक्शन बन रहा है, आप भी रिवर के पास खड़े हो जाओगे तो रिवर में आपका भी रिफ्लेक्शन होगा। आप मैटर हो, लेकिन आपका जो रिफ्लेक्शन है वो मैटर नहीं है। आपके माइंड्स में जितने भी थॉट्स चलते हैं वो मैटर नहीं है, क्योंकि वो ना तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ना ही उनका कोई वेट होता है। आपकी जो मेमोरी है वो भी कोई मैटर नहीं है, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, ना ही उसमें कोई वेट होता है। ऐसे ही बेटा लव, हेट, पेन, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये सिर्फ हमारे भाव हैं, हमारी फीलिंग्स हैं। इनमें भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होता है, ना ही ये मास होता है, ना ही हम इनको अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं। तो ये सब क्या है बेटा, ये मैटर नहीं है। फिर हमने आगे बात की, हमारे जो एंशिएंट फिलोसोफर्स थे उनका मानना था कि मैटर फाइव एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिन्हें पंच तत्व बोलते हैं। और पंच तत्व कौन से होते हैं? एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्काई। आपने सुना है कि बेटा जो मनुष्य है वो पांच तत्वों से मिलकर बना होता है, हिंदी में सुना होगा। तो वही ये पांच तत्व हैं, पंच तत्व जिनको बोलते हैं, फाइव एलिमेंट्स, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई। तो एंशिएंट फिलोसोफर तो ये मानते थे कि मैटर इनसे मिलकर बना होता है, लेकिन मॉडर्न फिलोसोफर जो थे उनका मानना था कि मैटर कि दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज थ्री टाइप्स की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको पता होता है बेटा क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है और क्या गैस है। क्लियर? तो बेटा ये मैंने आज आपको ओवरऑल मैटर के बारे में बताया। और फिर हमने कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन किया, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर हैं और कौन सी चीज़ें मैटर नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी समझ नहीं आया तो जस्ट एक बार वीडियो फिर से देखना, वही कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर फिर भी समझ नहीं आता, सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। यू मे कमेंट मी हेयर और ऑन व्हाट्सएप, यू मे आस्क मी। ओके, आई विल क्लियर डाउट इन डाउट सेशन। सो इट्स एनफ फॉर टुडे। नाइस मीटिंग यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। हैव ए ग्रेट डे।